सेवा वृद्धि की मांग को लेकर प्रदेश भर के अस्थायी कोविड कर्मचारियों ने इन दिनों शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 4 दिन से रायपुर के बूढ़ा तालाब पर आंदोलन कर रहे हैं। आज कोरोना योद्धाओं ने गोबर बीन कर सड़कों की सफाई कर अपना विरोध दर्ज किया है। अस्थायी रूप से कोरोना काल में पदस्थ किए गए स्वास्थ्य कर्मियों कार्य पर नियंत्रण रखने की मांग को लेकर 24 अगस्त से 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब पर शुरू कर दिए हैं। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त अस्थायी कोविड कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य संयोजक, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी एवं अन्य शामिल है। अस्थायी कोविड कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य पर निरंतर रखा जाए। जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है उन्हें पुनः कार्य पर निरंतर रखा जाए। इन मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज 4थे दिन में प्रदेश के सभी अस्थायी कोविड कर्मचारियों ने रायपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर और गोबर बीन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्होंने जमीन बेचकर जेवर गिरवी रखकर पढ़ाई की, आज सरकार उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं। न्याय की बात करने वाली सरकार आखिर कोरोना योद्धाओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? अगर 5 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन निरंतर जारी रखते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मेरा नाम मेघा है, मैं स्टाफ नर्स के पोस्ट में हूँ। मुझे मेरे प्राइवेट जॉब में अच्छे से काम कर रही थी मैं, कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे फिर सरकार द्वारा ये ऑफ़र मिला कि 3 महीने का लिए करना है। फिर मैं भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार को कोई तो हेल्प आ जाएगा, या फिर मैं इस सिचुएशन में अगर मैं सरकार का काम आऊँगी तो हो सकता है सरकार मेरा भी कुछ करे भला, इसलिए मैं आई, कोरोना में आई। मुझे ऐसे तैसे करके साल भर काम मिल गया कोरोना में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, हमको निकाल दिया गया और हम लोग यहाँ पे 4 दिन से हड़ताल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ना सुन रही है ना अधिकारी हमारी बात सुन रही है। हमारी ये नौबत आ गई कि हमको कचरा बीनना पड़ेगा, गोबर बीनना पड़ेगा। अब हम सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है तो हमारे डिग्री का, हमारे नर्सिंग करने का, हमारा सोच का कि सरकार हमारा कुछ करेगा, हमारी सोच का क्या वैल्यू रह गया? हम सरकार के बारे में सोचते थे कि जैसा हम उनके लिए करते हैं वैसा हमारे लिए करते हैं सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारा ये नौपत आ गया। मेरा नाम मंडियाराम बघेल है, मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम कोरोना योद्धा हैं। जब हम शासन की ज़रूरत था तो हमने शासन का मदद किया, और जब हमें अपने काम की ज़रूरत है तो शासन हमें अपने काम से निकाल दिया है। और शासन से हम चाहते हैं कि हमें दोबारा अपने काम पे ले। इस मेडिकल लाइन में हमारे लोगों ने खेत बेचकर, ज़मीन बेचकर पढ़ाई की थी, और निश्चित तौर पर ये उम्मीद से कि हमको रोज़गार मिलेगा, हम कहीं ना कहीं काम करेंगे, सरकारी दफ्तरों में काम होगा। अभी निश्चित तौर पर कोविड जैसे वैश्विक महामारी के कारण हमारे पूरे प्रदेश के अधिकतर लोगों को इस वैश्विक महामारी में रोज़गार मिल गया था, मगर अभी हमारी कोरोना वायरसों को सभी को निकाल दिया गया है। ये सरकार रोज़गार देने की बात करती है, न्याय की बात करती है, हमारे साथ तो अन्याय ही हुआ है। निश्चित तौर पर हम सरकार से ही मांग करना चाहेंगे कि हमारे सभी लोगों को जो निकाले हैं उनको काम पर पुनः वापस लिया जाए और उनके हित में निर्णय लिया जाए।